हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में है मैं वर्कआउट कर चुका हूं और मैं अपना जो संडे है तो पूरा अच्छी तरह वर्कआउट किया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और आज जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मेरे जो कैरी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ मेरे पपीते के पौधे लगाए थे, लेकिन अब जैसे थोड़ा पानी दिया था, लेकिन थोड़ी बारिश हो गई तो घास पीछे ज़्यादा बढ़ गई है और इस घास को मैं आज कवर करूँगा। तो इसके लिए आज संडे से अच्छा दिन कुछ हो नहीं सकता, मैं फ्री भी हूँ और वर्कआउट के बाद अब मैं डेली वर्कआउट भी नहीं दिखा सकता आपको कि मैं आप भी कहेंगे कि 5-6 चक्कर काटता है, कुछ डंबल वम्बल उठाता है और फिर अपना मौज कर रहा है। तो इसलिए आज संडे तो मेरा पूरा ध्यान मैं अपनी जो मेरी क्यारी है उसको दूंगा। पहले ये पौधे हैं 2-3 तरह के, बीज भी लेके आया था मैं, उनको भी अभी मैं ठीक कर दूँगा, अब लगाऊँगा यहीं पर। मेरी ये क्यारी है, ये तो थोड़ी गिल्ली है क्योंकि मैंने पानी दिया था, लेकिन जो मेरे पीछे है वो धूप डायरेक्ट पड़ती है तो भाई वो जल्दी सूख गई और इसलिए अब मैं पहले उसको करूँगा क्या। तो गाइस अब तक मेरा आधा काम है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने अभी तक केवल घास है जो वही हटाई है, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो घास वगैरह थी और नींबू के पेड़ के नीचे जो घास थी वो बस हटाई है। इसके बाद बस अब सभी को खोद दूँगा और बीच बीच में से ऐसे ऐसे कुछ डोरी बना दूँगा, उन पर फिर लगा देंगे अपनी जो मूली के बीज लगा रखे हैं। आज मैं मूली लगाऊँगा। तो अब थोड़ी प्यास सी लग गई तो सोच रहा हूँ कि पहले पानी वगैरह पी के आता हूँ, उसके बाद आके उस काम को करूँगा। अब तो गाइज फाइनली मेरा जो सारा काम था हो चुका है, केवल बस अब बीज लगाने रह गए हैं और मैं आज केवल लगाऊंगा बीज हैं जो मूली वाले। आप देखते हैं पीछे मैंने इनमें मेड बना दिए हैं जो ज़रूरी थी, क्योंकि जो मूली होती है वो सबसे जल्दी वैसे भी उग जाती है वो, और कंपेरिजन करेगा और फसल है ना सर्दी वाली उनसे पहले उग जाती है। और पीछे देख रहे हैं मैंने सभी रेडी कर दिए, बस इनमें अब बीज लगाता हूँ। और ये है जो बीज लेके आया था, जो मिडल वाला ये रेड है ये मूली का है, ये वाला है जो ये पालक और यह है मेथी। मेथी को तो मैं यहाँ लगा दूँगा और पालक में आगे लगाऊंगा। वो तिरंगा है ना उससे आगे जो खाली जगह है वहाँ पे, इसमें अभी ज़्यादा घास है, इसको पहले साफ़ करूँगा। इसके बाद तो गाइस अब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और मैंने आज जो साफ़ सफाई की वो नींबू वाले जो पेड़ है उसके साफ़ सफाई की है, लेकिन मेथी में लगाऊंगा नेक्स्ट टाइम। जो मेरा मूली वाला काम था लगाने का वो आज फिनिश कर दिया है मैंने और अब चलता हूँ मैं अपने घर पर, मतलब यहीं पे। तो अब थोड़ा लंच टाइम भी हो चुका है तो लंच करते हैं और रेस्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं मिलता हूँ एक अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। फ़ोन वहीं पे रह गया क्योंकि जब कनेक्शन टूटा ब्लूटूथ का तब याद आई कि तेरे पास दूसरा ही फ़ोन है, ये रखा। तो अब फाइनली बाय करता हूँ आपको और व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, राम राम।